नमस्कार दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक ड्राइव है, वो भी सी ड्राइव, तो उसमें आप एक्स्ट्रा ड्राइव कैसे बना सकते हैं और क्या प्रोसीजर है, कैसे हम बनाते हैं? ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। वो क्या होता है कि कई बार विंडोज़ करप्ट हो जाते हैं, जिससे आपका डाटा ख़त्म हो जाता है। एक और ड्राइव होता है जिसके द्वारा आपका डाटा सेव रहता है, जैसे डी हो गया, ई हो गया। ज़्यादातर आप ओरिजिनल परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ सी ड्राइव होता है, कोई कंपनी दूसरा ड्राइव क्रिएट करके नहीं देता, क्रिएट आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, कैसे कर सकते हैं हम, तो सभी ने ध्यान से देखना है। आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर के ऊपर टिक करना है और फिर हमने जाना है मैनेज के ऊपर। ये मैनेज है, इसके ऊपर जाना है। इसके बाद यहाँ पर ही आपका ऑप्शन आ गया। इसके बाद आपने इसमें टिक करना है डिस्क मैनेजमेंट। ये आप देख सकते हैं नीचे से सेकंड है, डिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर टिक करना है। इसके बाद मैंने इसमें ऑलरेडी दो तीन ड्राइव बना रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक और एक्स्ट्रा ड्राइव बनाना चाहता हूँ। अगर आपके सिस्टम में सी ड्राइव है, मान लो कि एक ही ड्राइव है, ये ड्राइव नहीं है डी और ई, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर जैसे सी है तो हमने सी के ऊपर ही टिक करना है। फिर हमने करना है श्रिंक वॉल्यूम, सभी देख सकते हैं श्रिंक वॉल्यूम, इसके ऊपर टिक करना है। फिर हमने जैसे हमने श्रिंक किया, हम आपको बताता हूँ कैसे हम क्रिएट करते हैं। ये 150 GB का पार्टीशन है, इससे हम 50 GB निकालेंगे। मान लो कि आपकी हार्ड डिस्क जो है 160 GB है और उसमें से एक ही पार्टीशन है, आपको एक और ड्राइव चाहिए, तो कैसे चाहिए, कैसे कर सकते हैं? हमने इस पर टिक किया, उसके बाद हमने श्रिंक वॉल्यूम पर टिक किया। अब अपने वेट करने हैं कि जब तक वो उसको डिस्क को निकाले कि कितनी इसके पास स्पेस पड़ा है। ये नहीं करना है कि आपने ड्राइव बना रहे तो आप पूरे का ड्राइव बना दो। तो दोस्तों, ये ध्यान से देखो, अब ये बता रहा है कि इंटर द अमाउंट द स्पेस द श्रिंक इन MB, 73,011। इसमें कह रहा है कि आप 70 GB का एक पार्टीशन बना सकते हो, क्योंकि 1,000 MB का 1 GB बनता है, तो टोटल 150 GB की हार्ड डिस्क है। तो मुझे इसमें से बनाना है, मैं 50 GB का बनाऊंगा। मैंने इसमें 50 लिख दिया, 50,000। तो आप देख सकते हैं मैंने 50,000 लिख दिया है। सभी ध्यान से देखेंगे, जो इंटर द अमाउंट, यहाँ पर हमने 50,000 डाल दिया है, ऊपर हमारा 1,49,900 है, तो ये हमारा 150 GB का पार्टीशन है, तो हम इसमें से 50 निकालना चाहते हैं। मान लो कि आपके कंप्यूटर की एक ही हार्ड डिस्क है, तो आपने उस पर टिक करना है और उसमें जाना है श्रिंक वॉल्यूम में। इसके बाद हमें श्रिंक करना है। जैसे हमने श्रिंक कर दिया तो ये हमारे लिए एक पार्टीशन क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 140 GB बता रहा है सी ड्राइव। अब जैसे श्रिंक करेंगे तो ये 100 GB का बताएगा। अब देखो, ये 97 GB हो गया और इसके पास अब स्पेस है 48 GB। तो दोस्तों, अब 48 GB जो है अनलोकेटेड है, तो हमने क्या करना है, अनलोकेटेड के ऊपर टिक करना है। तो हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया। अब करेंगे हम न्यू वॉल्यूम, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, फिर हम इतने ही जीबी का पार्टीशन, नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे, तो डो नोट कर देंगे। अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने नेक्स्ट कर दिया, फिनिश हो गया। तो दोस्तों, ये देखा कि हमारा एक और पार्टीशन बन गया है, तो अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भी फॉर्मेट का पूछ रहा है, तो यहाँ भी आप फॉर्मेट डिस्क कर सकते हैं। जैसे आपको, जैसे आपने इसको निकाला तो फॉर्मेट कर दो, तो क्विक कर देते हैं, क्विक कर तो होता है जल्दी स्टार्ट, ओके। तो दोस्तों, हमारा जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो गया है और फॉर्मेट भी हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ हमारा ये जी ड्राइव बना है। तो दोस्तों, ये 50 GB का पार्टीशन हमने जो सी से निकाला है, अभी देखो ये 100 GB था, 150 GB था, अभी 80 GB रह गया। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं अगर हमारे कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है। ओरिजिनल विंडो के साथ हमेशा एक ड्राइव आता है, तो उसमें हम अलग से बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने प्रॉपर बताया है, सही तरीके से बताया है। अगर आपको ना पता चले तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट